अजीब टाइप के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग पर्सन्स रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं। ऐसी एक टाइप के, अलग टाइप के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमारे पड़ोस में रहते हैं जिनका नाम है शेरू जी। शेरू जी एकदम अजीब टाइप के कैरेक्टर है। इनके पास ना नौकरी है ना कुछ काम धाम है, बस दिन भर कुछ भी अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, बाजू में एक पड़ोस में पोल्ट्री फार्म है जहाँ 3 लोग मुर्गियों का जो पोल्ट्री फार्म है वो चलाते हैं। तो इंस्पेक्टर वहां पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाला था, लेकिन जो तीसरा बंदा था, जो तीसरा मालिक था पोल्ट्री फार्म का, वो बाहर गया हुआ था। तो वो दोनों बंदे सोचने लगे कि तीसरा मालिक यार किसको बना के लेके जाए। तो ये शेरू जी को उस पोल्ट्री फार्म का एक मालिक बनाकर लेके गए। तीनों बंदे थे, 3 फार्म चला देते। तो इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्टर ने पहले बंदे से सवाल किया, बोले तुम मुर्गी को क्या खाना खिलाते हो? तो पहला बंदा बोला, जी हम बाजरा खिलाते हैं। बोले ये गलत खाना, गिरफ्तार कर लो इसे। दूसरे बंदे से पूछा, बोले तुम मुर्गी को क्या खाना खिलाते हो? तो दूसरा बोला, जी मालिक हम चावल खिलाते हैं। तो बोले ये भी गलत खाना, गिरफ्तार कर लो इसे। अब शेरू जी का नंबर आया, तो शेरू जी से पूछने वाले थे। अब शेरू जी ने तो पहले ही देख लिया इन दोनों से, मतलब दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो शेरू जी से पूछ लिया, बोले तुम मुर्गी को क्या खाना खिलाते हो? तो शेरू जी, ये ऐसा है, हम मुर्गी को 10-10 रुपए दे देते हैं और कहते हैं जो मुर्गी आए खा लो। अब ये जो शेरू जी है, एक दिन उनका बीवी के साथ झगड़ा हो गया, भाभी जी के साथ झगड़ा हो गया। तो दूसरे दिन मुझसे मिले, तो मैंने पूछा उनसे, क्या बात है शेरू जी, भाभी जी के साथ झगड़ा वगैरह खत्म हुआ क्या? नहीं। तो शेरू जी मुझे बताने लगे, झगड़ा खत्म हुआ? अरे घुटनों के बल चल के आई तुम्हारी भाभी हमारे पास, घुटनों के बल चल के आई। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो, घुटनों के बल चल के आई वो आपके पास? हाँ घुटनों के बल चल के आई, हम आदमी ऐसा हो ना, वो ही ऐसा। मैंने क्या बात कर रहे यार शेरू जी, भाभी जी घुटनों के बल चल के आई। तो क्या कहा भाभी जी ने आपसे? घुटनों के बल चल के आई हमारे पास और कहने लगी, पलंग के नीचे से निकल जाओ, अब ज्यादा नहीं मारूंगी। अब देखिए जो शेरू जी है, ये तो बड़े अजीब टाइप के, बदतमीज टाइप के इंसान है ही। इनका जो बच्चा है वो भी बड़ा बदतमीज है, वो भी अलग, एकदम अलग है। अब एक दिन क्या हुआ, पार्क में घूमने गया, तो पार्क में एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी थी। तो प्रेग्नेंट लेडी के पास गया बच्चा उनका, शेरू जी का, और प्रेग्नेंट लेडी के पेट को हाथ लगाकर पूछने लगा, आंटी आंटी ये क्या है? तो वो लेडी ने कहा, ये मेरा प्यारा सा बच्चा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये शेरू जी का बच्चा। इतना ही प्यार करती थी तो उसे खा क्यों लिया? अब जैसे कि मैंने कहा कि अजीब अजीब टाइप के लोग होते हैं, इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। लोग छुड़िए, चूहे जो है, हमारे घर के चूहे भी बड़े अजीब टाइप के हैं। अब दो चूहे बाइक पर घूम रहे थे, बाइक पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक शेर का बच्चा मिल गया। तो शेर के बच्चे ने उनसे पूछा, यार मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तो चूहे, चूहे ने थोड़ी देर कुछ सोचा, बाइक पर ही थे, सोचा, और फिर बाद में शेर के बच्चे से कहने लगे। वो शेर का जो बच्चा था उसको बोल रहे, देख ले मैं तो बाद में तेरी मम्मी बोलेगी गुंडों के साथ घूमता है। अब ये जो मैंने आपसे कहा शेरू जी का बच्चा बड़ा बदतमीज है। एक दिन स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने बच्चे से सवाल पूछ लिया, बोले बहुत ही ज्यादा हंस रहा था वो शेरू जी का बच्चा, तो उससे पूछ लिया, ले तुम इधर आओ, एक सेंटेंस देता उसको और हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो सेंटेंस बोला टीचर ने, बोले शी इज किडिंग, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो शेरू जी का बच्चा पहले तो बहुत हंसा, हंसने के बाद उसने जवाब दीजिए, इतना अच्छा, अरे बोले बोलो जवाब दो, वो बच्चे के लिए है। मतलब ये देखिए बड़े अजीब अजीब टाइप के, अलग टाइप के है ये कैरेक्टर। अब एक दिन क्या हुआ, शेरू जी पैंट सिलाने गए टेलर के पास। तो पैंट सिलाने गए और टेलर से पूछने लगे, भाई साहब पैंट सिलाने का मतलब पैंट की सिलाई क्या है? तो टेलर ने कहा, जी 150 रुपए। 150 रुपए? अच्छा चड्डी सिलाने का क्या है सिलाई, चड्डी की सिलाई क्या है? तो बोले चड्डी की सिलाई 50 रुपए। तो एक काम करो चड्डी ही सिला दो, लेकिन चड्डी की लंबाई पैरों तक रखना।